जी सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, अभी फिलहाल टाइम हुआ है 8:15 और मैं शारवार लेके रेडी हाफ हो गई हूँ और बस चेंज करना बाकी है। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी लेट रेडी क्यों हो रही है। रीज़न ये है कि आज है हमारी बेबी यात्री का फर्स्ट ऑफिशियल फ़ोटोशूट, जो कि 15-20 डेज का जब बेबी हो जाता है उसके बाद यूजुअली किया जाता है। सो जो टीम है वो पैमल क्रिएशंस की टीम है, जिन्होंने हमारा मैटरनिटी शूट भी किया था। सो वो आज घर आ रहे हैं, जो भी उनका सारा सेटअप वगैरह है वो सारा घर पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग 40 डेज तक ना बेबी बाहर जा सकता ना मैं बाहर जा सकती हूँ, तो वो ही घर पर आ रहे हैं सारा कुछ ले कर। सो बबू चाचा भी ऑलमोस्ट रेडी हैं, मैं भी बस रेडी होने वाली हूँ, अभी भी रेडी हैं। और बेबी को हम तब रेडी करेंगे, पहले देखेंगे कि वो कौन से कॉन्सेप्ट में बेबी के साथ शूट करना चाहते हैं, तो वो देखने के बाद ही मैं बेबी को रेडी करूँगी। तो अभी फटाफट मैं चेंज कर लेती हूँ या उनके आने के बाद चेंज करूँगी, क्योंकि अभी बेबी को फीड करना है। तो फीड करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। हम लोग वेट कर रहे हैं पामल क्रिएशंस वाले, मतलब रस्ते में हैं, बट थोड़े से लेट हो गए हैं, तो मुझे लगा वो आ गए थे पर वो नहीं आए। 9 बज गए हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो सी कब तक आते हैं। अभी 9 बज गए और 2 घंटे तो चलेगा शूट, तो डिनर वगैरह करके फिर शूट करेंगे। बेबी को फीड करा रहे हैं, क्योंकि बेबी को शूट करते समय उनको चाहिए कि बेबी सोता हो, तो ईजिली शूट जल्दी हो जाता है। अगर वो उठ गया तो क्रैंकी हो जाती है, फिर तो शूट पता नहीं कब तक कितना लंबा चलेगा। सभी फीड करवा रहे हैं, तो फीड करवा के उसको जितनी जल्दी हो सके सुलाने की कोशिश करेंगे। हेलो, कोशिश कर रहे हैं कि सो जाए। आई गेस वन विल स्टार्ट इन द फिटनेस इतने टाइम में और चला रहा है ड्राइविंग। आज हमें लेके टुक अस ऑलमोस्ट एन आवर टू क्रॉस जीरकपुर, मुझे डेरापसी से और डेरापसी ऑनवर्ड्स टू जीरकपुर मैकडॉनल्ड्स एंटायर सिंगल जो बन रहा है ना पूरा फ्लाईओवर वाला ही। एंड आज ही जाम लगा, अदरवाइज नहीं तो फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ पर, इट वॉज ऑल क्लियर। नहीं होता है, हम लोग वहीं है ना, हमारा घर एकदम अपोजिट उसमें ही है। हम हाल खराब है हमारे, कोई बात नहीं। गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया। हाँ, 1 महीना से ज़्यादा हो गया। थैंक यू सो मच। हमें आपके लिए बुकेज लेने थे। अरे फॉर्मेलिटी करने की जरूरत, हम एक बलून लाए। क्या वो वर्क करेगा? दे वाज लाइक अकेले नहीं देना, दिल होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ वर्क करेगा। लेके आओ वो वाला बलून। हमें रास्ते में लिटरली कुछ नहीं मिला, इतना ट्रैफिक मिला हमें। एंड उसके बाद निकलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि यहाँ फ्लाईओवर जो बन रहा है ना, यहाँ उसकी वजह से। एंड ऑफिस आवर्स वैसे सबसे ज्यादा टाइम। जोड़ी देखी? हाँ देख ली। मैंने नहीं देखी, तू देखी? तू नहीं देखी? तू तो देखे अंदर, टाइम ही नहीं लगा। माय गॉड, सब तो बिजी था ये बंदा। यही मिला, देखो जी ट्रैफिक बहुत मिला हमें, हमने बड़ी कोशिश करी कि हमें गोपाल मिल जाए, वहाँ से बुकेस मिल जाए। नहीं अच्छा गिफ्ट है, यूनिक गिफ्ट। और हम ना आपको डिस्कशन यही कर रहे हैं कि हम ना यही दे देंगे। मैं कह नहीं, मैं ये नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, साथ में बुके लेंगे। नहीं मिला हमें, नहीं आज टेंशन नहीं होगा कि आगे जल्दी जल्दी कवर करना है, फोटो नेक्स्ट पे जाना है। पर ऐसा ना हो बार बार दरवाजा खोलने में मच्छर आ रहे हैं। मच्छर आ रहे हैं यार, जो एक साइड मच्छर आ रहे हैं इधर ही कर लो, क्या इधर ही साइड क्योंकि वही है ना। हमें कैसे करते हैं? तो जी फाइनली आ चुके हैं और मैं जाके देख दिया कि बेबी सो रहे हैं नहीं सो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द वन, ये वाला नो चेयर एंड बकेट, नो नो नॉट बकेट, ये वाला। फ्लैश वाला काम ही नहीं कर रहा। सर हाउ आर यू? थैंक यू। पहन के रखो जूते? नहीं नहीं, शूज उतारने। एक्चुअली
अंदर से बाहर आएंगे ना बार बार मिट्टी आएगी और फिर हमें सेटअप भी करना है हमें ये कारपेट भी हटाना है और हमें ये भी हटाना है पैंट तो यही है व्हाइट जो उस दिन था पहले हमारा रैपिंग कॉन्सेप्ट होगा आफ्टर दैट आपका फैमिली शूट होगा बिकॉज उसी वाइट रैपिंग में हमें फैमिली शूट करना मेरे हिसाब से फैमिली शूट पहले कर लो क्योंकि वो अभी नींद में टेबल को मैं यहाँ से बाहर यहाँ बाहर वहाँ से फिर बेबी को लेके आने में दिक्कत तो नहीं होगी पांच वाला पर नीचे भी मेरा भी उठाने के बाद ही ध्यान ये तो नहीं रिकॉर्ड ये चेयर एक के ऊपर एक डाल दो अच्छी खास हाँ डाल ठीक है भैया अभी खाना चलने को इसके ऊपर कोई बैठ भी सकता नहीं इसमें नहीं बैठ पाएगा हैं चाय क्यों था चाय और फिर चाय वो भी पहले ना एक बार अगर बेबी कंफर्टेबल है तो पहले हम बेबी शूट करेंगे बेबी को अभी फीड दिया आई थिंक 5 मिनट थोड़ा बर्ब वगैरह ले ले 10 मिनट है ना वो आपके आने से पहले इसीलिए उसको फीड दी कि वो सोने हां उसके बाद शी स्लीप्स फॉर 2 आवर्स चलो ओके ये तो पता चलेगा फोटो शूट में हां आई होप नहीं क्रैंकी हो जाता है नॉर्मली ना बहुत जल्दी नॉर्मली पेरेंट्स कहते हैं अरे ये तो सोते रहते हैं सारा दिन आज नहीं सो रहे पता नहीं क्या हुआ नींद ही नहीं आ रही सो ही नहीं रहे अपने अलावा बहुत क्रैंकी है उसको उसके कंफर्ट जोन से हटा दो चादर भी हटा दो ऊपर से तो इरिटेट हो जाता है पर एक सर कौन से इसको डाउनलोड की टॉप आई थिंक इनके ये ऑल वाइट कांसेप्ट है ऑल वाइट ब्लू ठीक है नीचे रख देते हैं नीचे हां उसमें करते हैं जी मुझे पिक्चर दिखाना जो कॉन्सेप्ट हमने सोचा फ्लावर्स आएंगे अच्छी बात नहीं है हाँ जी गाइस सो वी आर रेडी अगेन घर पे हो रहा है शूट स्पेशली हमारे लिए बामल्स क्रिएशन से आ गए हैं हमारा मॉडर्निटी शूट भी किया था सारा तामझाम लेके आप लोग देख चुके हैं देखो कितना कुछ ये सारा सेटअप हो रहा है यहाँ पे और बाहर तो बेबी का शूट होगा अभी बेबी को खाना दे रहे कि थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाए ताकि फिर शूट करने में दिक्कत होगी पेट भरा होगा फिर सोई रहेगी फिर सोते सोते उसका शूट करें इमेजिनेशन को जितना बढ़ा सकते हैं उतना कोशिश करते हैं बाकी रिजल्ट नजर आता है कोई आइडिया नहीं जब
कोई प्रेडिक्ट तब तक। फिर भी इन्होंने जो पहले जब ये चंडीगढ़ वाला फ्लाईओवर नहीं था तब तो बहुत गंदा, क्योंकि हाँ वही सामने ही तो था हमारा, तो वही तो रहे बहुत गंदा था, उससे काफी फर्क पड़ गया, उससे ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का डिस्टेंस कट शॉर्ट हो गया। हां मतलब मेरा थर्ड या फोर्थ टाइम में रेड लाइट क्रॉस हो गई थी। हां राइट, कितने टाइम पहले की बात है ये? अभी 6 महीने तो नहीं, नहीं 6 महीने जब फ्लाईओवर जब बना नहीं था तब ट्रैफिक कम था। हां अभी 5 मिनट के आसपास, 5 मिनट कम ही हुए हैं। अभी मैं इसको अमन को लेके गया था जब जब ये खुला है तो 2-3 महीने की इसी विंडो के अंदर, हां जब चालू हुआ है वो 2-3 महीनों के क्या है वो? 3 बजे जाओ दोपहर को, ट्रैफिक नहीं होगा। गर्मी तो है ही नहीं ना, आप पंखे के नीचे बैठ सकते हो, आपको गर्मी नहीं लगी। जैसे बाहर अपने को हीट महसूस होती है नथिंग, पर आप वहाँ पे बैठे बैठे गीले हो जाओगे, गंदी ह्यूमिडिटी, गंदी अनथिंकेबल। जो यहाँ पे पीक में जाके होगी वो वहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 महीने रहती है वैसी ह्यूमिडिटी। मतलब अगर आउटडोर शूट करना है तो 3-4 चेंजेस तो हम लोग रखते ही रखते हैं। अभी मैं वहाँ कर रहा था शूट मडालिन में, तो मनाली का ही कंटिन्यूटी था, अरबाज खान भी हैं, सब हैं उसमें। हाँ तो वो मनाली वाले कपड़े बॉम्बे में पहन लिए थे मोटे, मनाली वाले, तो उन्होंने वहाँ पे वो सारा बर्फ बर्फ नकली जो भी सेटअप किया, बट हमें वो कपड़े पहन लिए। 4-4, 5-5, 6-6 चेंजेस हुए, एक सेकंड के अंदर ही गीला हो जाता था। यही तो है, रैप होते ही ना उड़ कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा क्लोथ्स का ये है कि क्लोथ्स हम अपने ही पहनाएंगे, अभी हमें रैप करना है, फिर हम कैसे सारा ड्राई क्लीन करके लाए, हम सब कुछ एक एक चीज ध्यान रखना है। अलाउड नहीं है, एलर्जी भी है, पर वैसे हमारे ना 40 डेज तक। अच्छा ये देखो, ओके, तो वो ये ना नेवर भूल से नए कपड़े से। अच्छा हम इसी के ऊपर रैप कर दें फिर, हो सकता है कपड़े, हां हां इसी के ऊपर कर देंगे फिर, तो उतारने की जरूरत नहीं है, सर में हैंड भी नहीं है। फिर हमने सेकंड सेटअप जो सोचा था ड्रेस का वो रहने देंगे, रैप भी करेंगे, रैप कर सकते हैं, वी कैन डू अ नेकेड कॉन्सेप्ट एज़ वेल। छोटे छोटे ना उसके वो दाने, कोई बात नहीं, हम इसी के ऊपर ट्राई करते हैं। जनरली अच्छा इससे पतला कुछ क्लोथिंग है हमें, सभी के लिए मोस्ट ऑफ द पीपल्स में हो जाता है, बट एक बोथ वे ना मंथ का टू बन सकता है। ओके मुझे ये बताइए क्या इससे थोड़ा और पतला, आपको क्या कलर चाहिए, व्हाइट चाहिए, प्योर व्हाइट, क्या चीज़? कलर तो एडिट हो जाएगा बिकॉज़ आई एम गोइंग टू रैप, मल्टीपल रैप्स होंगे, क्या चाहिए? तो हमें थोड़ा पतला, ये ऐसा ना हो कि इसको, क्योंकि ये ओवरसाइज्ड है, पर मैं करूंगी ना रैपिंग जैसे बनाना, वो बड़ा साइज होता है, हाँ। बड़ा ही होता है ये, बड़ा ही होता है, बच्चे में तो बढ़ना ही है। ओके आपने मेरी परमिशन दी है फोटोशूट करने से पहले, क्या मेरी मम्मा का कंसेंट है इसमें, पापा ने हाँ बोल दी है। बेबी के फ्लैश तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं ये फ्लैश नहीं यूज करते बिल्कुल भी, वो जगह नहीं होता, पसंद है नहीं, तो उसको गुस्सा आया तो बहुत रोई, अभी शांत है, अभी नए उसमें है ना कंफ्यूज्ड है कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड हमेशा मम्मी पापा को लिया जाता है ना जी। यहाँ पर अभी चालू होने वाला है हमारी बेबी का फोटोशूट, बट बेबी इज अवेक। यूजली जो शूट होता है वो हमेशा, मतलब बेबी अगर सोता हो तो ज्यादा यू नो इजी हो जाता है, पर आज हमारा बेबी जाग रहा है क्योंकि उसको पता उसका फोटो शूट है, बट बड़ी कामली ना वो अपना शूट करवा रहा है। यूजली जो शूट होते हैं वो मतलब किस डेज का बेबी होना चाहिए? फर्स्ट टू वीक्स, फर्स्ट टू वीक्स, ओके दैट इज द बेस्ट विंडो। ओके
normally because it's kind of basically the sleep apnea is that she is ready. Okay. What we sleep center and it's very easy for babies as well. उसके बाद शेडो करना लाइक इम्पॉसिबल थर्डली कॉन्वर्ट्स का बहुत मुश्किल है. इसके जब वो हैंड का स्टैम्प भी लिया उन्होंने तो वो कहते हैं कि भाई इसमें एक मिनट बाद मैं को उधर रखेगी नहीं. हाँ. तो उन्होंने ये म्यूजिक लगाया और सो गई रोंदी रोंदी सो गई. नए नए है गए यार ना कुछ रिएक्ट भी नहीं कर रही हम तो साडी को भी छोड़ा सीगा तो हम तक तो पूरा ओपन नहीं है एक्चुअली टमी भी फुल है. हां और एक कप चाहिए करवाते हैं तो ब्रेकअप जल्दी चले जाएंगे. नहीं वो लगते हैं इस टाइम पे ना इसको खाते हैं. हाँ. खाना खाने के बाद हमेशा वाइट ही रहेगा ना. हाँ जी वाइट वाइट शर्ट मैरून. हाँ मैरून पाके सारे वाइट वाइट होंगे. अच्छा वो बहुत कॉमन है. कॉमन रखते हैं मोस्टली बेबी बॉय में रखते हैं. हम ट्राई करते हैं कन्विंस करने में ना कि हरमाइनी लुक भी है वो कर लो. बट हमने स्टार्टेड का स्टूडियो है ना जो हमारे फर्स्ट 5 सेटअप में एक सेटअप हैरी पॉटर था एंड वो टिल द डेट का अभी तक हमारा मोस्ट लव सेटअप है. अब तक वो काफी मैंने भारत का भी देखा था उसके बेटी का भी हैरी पॉटर का. सो अभी फर्स्ट लुक ही चल रहा है. आई थिंक ऑलमोस्ट हो गया ना पैमल. ऑलमोस्ट डन फर्स्ट पास हो गए. बहुत काम ही उसने शूट करवाया है. सभी सेकंड में देखते हैं क्या होता है. और गाइस ये जो शूट है ना जिसमें बेबी का फेस हम लोग रिवील करेंगे 40 डेज के बाद आपको पूरा प्रॉपर एक ब्लॉग मिलेगा जिसमें बेबी का फेस लुक रिवील होगा. ये आप देख सकते हैं फिर बेबी का फेस. सो ये देखो आज कहाँ जमाना पहुंच गया है. बेबी के भी मतलब हार्डली 15-20 दिन में फोटो शूट होने लगे. जब हम हुए थे तब तो फोटो भी नहीं मिलती थी मम्मी है ना घोड़ी बैठे नहीं पर इतनी पुरानी है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होता था ना वो पीछे वो लगा के फ्रेम घोड़े पे आपको बिठा देते थे और उस पे फोटो खींचा. तो अब इतना एडवांस हो गया है.